सो गुड मॉर्निंग गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक टू पीबीटी। जैसे कि आपको बताया था कि मैं जम्मू जा रहा हूँ, लेकिन प्लान में फिर से थोड़ी सी चेंजेस आए हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम बाय रोड जा रहे हैं अपनी बाइक लेके, लेकिन फिर हमने प्लान बनाया कि प्लेन से जाते हैं। प्लेन में प्लान बनाने का एक और भी रीज़न था कि ये टिकट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आई थी। इसको किसकी तरफ से? भारतीय एयरटेल की तरफ से। भारतीय एयरटेल कंपनी में जॉब करता और वहां से इसको फ्री टिकट्स मिली थी, तो हमने सोचा कि जाते हैं। 6 टिकट्स मिली थी, तो 3 जाने की 3 आने की हो गई। अब इस वीडियो के बाद 2 और वीडियो आएंगी, उसके बाद राइड स्टार्ट हो जाएगी। और उस राइड पे, अल्टीमेट राइड पे, मेरे साथ कौन जा रहा है दिखाएं आपको। ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, ये अपनी विक्रांत लेके जा रहा है उस राइड पे, और मैं अपनी R15। ये है हमारी टिकट, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, फ्लाइट थोड़ी सी डिले है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जो फ्लाइट समय पर आनी थी वो समय पर नहीं आ रही है, क्योंकि कोई तकनीकी कारण करके पीछे रास्ते में उतार दी गई है। धन्यवाद। तो प्लेन थोड़ा सा लेट हो चुका है, तकरीबन आधा घंटा लेट है, वेट कर रहे हैं प्लेन की, बैठे हैं फ्री। और प्रभा पायलट हो रही है, खेतों से लै गया बिल्कुल मसा लिया मोड़ मुड़ के, लगता है भाई खेतों का ड्राइवर सी, चाहे जहाज चा। धन्यवाद प्रभा। प्लेन चलने के लिए रेडी है। ये आर्मी एयरपोर्ट होने की वजह से थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन है यहाँ वीडियोग्राफी की, बट हम लोग कर रहे हैं, बैठे हैं प्लेन में। 1 घंटे 15 मिनट की फ्लाइट है, निकल जाएगा इजीली, सुबह टेक ऑफ होने वाला। ये आ गए हैं हम रनवे पे, यहाँ से यू टर्न लेके फिर ये प्लेन जाएगा हवा में। वैसे तो आपको साउंड बाहर की बहुत आ रही है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा साउंड होती है, बट करेंगे एडजस्ट। आपको हो सकता है मेरी आवाज आ रही हो, अगर कम आ रही होगी तो एडिटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं आ रही होगी तो वीडियो काट देंगे इसको। सो अभी कर रहे हैं इंजॉय, पानी आ चुका है, इसके बाद आएगा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह खाने को। बाहर बहुत ज्यादा मौसम खराब है, मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट देरी भी हुई है, और दिक्कत भी आई थोड़ी पहले चलने में, थोड़ा सा हिला भी हो रहा है, लेकिन अब नॉर्मल है। ये अप इन द स्काई है, हम लोग देखिए आप लोग बाहर थोड़े सीन्स। सो गाइस ब्रेकफास्ट में ये इंक्लूडेड था, ये हमें मिल चुका है, अब इसको खाते हैं और करते हैं इंजॉय। सो गाइस एक से तो हमारा कुछ नहीं बनता, इसीलिए हमने एक और ले लिया है, पर इन्होंने भी दो दो ले लिए है। लाल जी आप क्या बोलना चाहेंगे? यार बोलना की है, चज नाल खान लून देते परमिट, बाकी सब ठीक ठाक है यार, जहाज वधिया वधिया सारा कुछ, पर भुख लगी है, खान नू कट दिंदे आ। दो सैंडविच अकेला खा गया, अभी बोल रहा है कुछ खाने को नहीं मिला है, भूख लग रही है अभी भी इसको।
तो गाइस हम लोग जम्मू पहुंच चुके हैं, यहां से हम जाएंगे कटरा माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए, और अब आपको मिलते हैं एयरपोर्ट के बाहर जाके। अभी हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और उठाएंगे अपना बैग। तो चलिए बाहर चलते हैं। सुबह इस कटरा पहुंच चुके हैं, बस में आए थे जम्मू से कटरा, वीडियो इसलिए नहीं बनाई बिकॉज वहां पे सॉन्ग्स चल रहे थे, सॉन्ग्स की वजह से कॉपीराइट आ जाता है। देखिए इस ब्लू वाले रास्ते से होते होते हमें जाना है वहां पे उस टावर के पास, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। 7 घंटे का रास्ता है जाने का, जब भी पहुंचेंगे तो आपसे बातें करेंगे। तो चलते हैं। उस पहाड़ से अभी नीचे आए हैं, नीचे जा रहे हैं, इसके बाद ऊपर जब शुरू करेंगे तो उस यहाँ वहां पे पहुंचना है। यहाँ पे इंदिरा अग्रवाली बोल रहा है कि हमने इसी जगह से बाइक लेके आना है, ये रोड से पिछले 2 घंटे से लगातार चले जा रहे हैं बिना रुके हुए, सांस भी चढ़ रही है और पसीना बहुत आ रहा है। टेम्परेचर अच्छा है, मौसम जब खड़े होंगे कहीं पे तो हवा अच्छी लगती है, मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है, लेकिन अब चल रहे हैं ना तो पसीना बहुत आ रहा है। क्यों, क्या हो रहा है? पसीना बहुत मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, इजीली चढ़ रहे हैं, अभी तक तो रुके नहीं है, 2 घंटे हो गए लगातार चले जा रहे हैं। आगे देखो तकरीबन 3-4 स्टे तो लेने होंगे ही कम से कम, फिर ही पहुंचेंगे। लगातार तो कोई भी बंदा नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग जो चढ़ जाता होगा वहां पे, लगता है कि कोई होगा लगातार चलने वाला? लगता नहीं है। तो आगे मिलते हैं। ऐसे तो ये बंदा सारा दिन वीडियो बनाने में बिजी है, पर आप अब ये वीडियो क्यों बना रहा आपने? 2.5 घंटे से लगातार चल रहे हैं, एक रेस्ट तो बनता है, तो हमने सोचा एक तो रेस्ट ले लेते हैं थोड़ी देर, 5-10 मिनट की ब्रेक बाद फिर चल पड़े। अभी अंधेरा होने वाला है, थोड़ी सीन कम होंगे, वीडियो कम बनेगी, लेकिन जितनी होगी आपको दिख जाएगी। मिलते हैं अब सीधा ऊपर जाके। भाई इस बंदे को पूछो कौन से ऊपर जाना है हमें? माता वैष्णो देवी। बहुत ऊपर जाने की बात, ज्यादा ऊपर नहीं, अभी राइड करनी है यार थोड़े दिन बाद, जल्दी ऊपर नहीं जाना है। सीन देख रहे हो क्या मस्त है, ये है कटरा और उसके पीछे है जम्मू। वैसे तो कटरा ही दिखेगा यहाँ से। चार घंटे हो चुके हैं, 4 घंटों में हमने 8 किलोमीटर और 100 मीटर निकाल दिया है। खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी हम कैसे पहुंच गए। रास्ते में 3 स्टॉप लिए हैं रास्ते में और हम 8 किलोमीटर क्रॉस कर गए, लेकिन अब बहुत मुश्किल है, अब आगे 4 किलोमीटर बचा और 4 किलोमीटर में 5 या 6 स्टॉप पक्के है हमारे। अब चाय पीने के लिए रुके हैं, चाय लेके और फिर से निकलते हैं और ऊपर आपको जाके भवन के पास मिलते हैं। ओके, सो गाइस पूरा ट्रैक 28 किलोमीटर का हमने 13 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आके होटल में रुके थे, रेस्ट की,
अब जा रहे हैं जम्मू वापसी, वहां पे हमने अगला होटल बुक कर लिया और वहां से कल जाएंगे वापसी घर। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आगे क्या है, कल उसी प्लेन में जाना है, कुछ दिखाने को खास है नहीं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।